वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम संस्कृत विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक महेश्वर सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि महेश्वर सूत्रों की रचना किसने की। तो इनकी रचना की है पाणिन ने। अब बात आती है कि महर्षि पाणिन कौन थे। तो पाणिन एक बहुत ही कमज़ोर छात्र थे। इनकी हंसी मजाक कक्षा के अन्य छात्र उड़ाया करते थे। माँ सरस्वती को अगर विद्या की देवी कहते हैं तो शंकर भगवान को विद्या के देवता कहते हैं। और इसी हंसी मजाक से परेशान होकर के महर्षि पाणिन विद्या के देवता शंकर भगवान की तपस्या करने पर्वत पर चले जाते हैं और वहाँ पर भगवान शंकर की घनघोर तपस्या करते हैं, जिससे खुश होकर के भगवान शंकर नृत्य करते हैं। और कौन सा नृत्य करते हैं? तांडव नृत्य। और उसी समय भगवान शंकर डमरू बजाते हैं और वो डमरू 14 बार बजाते हैं और उन्हीं की डमरू की आवाज़ से 14 महर्षि सूत्रों का निर्माण होता है। और इन सूत्रों का रचनाकार महर्षि पाणिन को माना जाता है। अब महर्षि पाणिन ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में विभक्त किया है। ये 14 सूत्र कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला सूत्र है अयुण, दूसरा है रिलरिक, तीसरा है एओंग, चौथा है एओच, पांचवा है हैवरट, छठवां है लण, सतवां है इमंगणम, आठवां है झबे, फिर नवा है गडदस, फिर ग्यारहवां है जब गडदस, फिर ग्यारहवां है ख फ छ ठ थ च ट तव, बारहवां है कपय, तेरहवां है सस्सर और चौदहवां है हल। तो इस प्रकार से ये 14 सूत्र हैं और इनको महेश्वर सूत्र कहा गया है। अब देखिए इससे संबंधित परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक एक करके सारे प्रश्न क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि स्वर कितने होते हैं। तो 4 सूत्र हमें स्वर वर्णों की पहचान कराते हैं और वो कौन से 4 सूत्र हैं देख लीजिए। तो वो 4 सूत्र हैं अयुण, रिलिक, एओंग और एओच। देखिए यहाँ पर एक प्रत्याहार बनता है अच, यहाँ से प्रत्याहार बनाने के लिए देखिए अपने अगले वीडियो में आपको हम प्रत्याहारों के बारे में बताएंगे कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं और किस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही हम बताए दे रहे हैं, अगर जिसको नहीं आता है तो मेरा अगला वीडियो देख लेना, उससे आपकी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला अक्षर है आ और यहाँ पर देखिए चौथे फार्मूले का लास्ट अक्षर है च। तो यहाँ प्रत्याहार बनाने के लिए पहला वर्ण लेते हैं और सूत्र का लास्ट वर्ण लेते हैं और उसी से प्रत्याहार बनता है। जैसे पहला प्रत्याहार यहाँ पर अण भी बन सकता है और यहाँ तक मान लो यहाँ तक जैसे लिया गया तो यहाँ पर दूसरा प्रत्याहार अक भी बन सकता है, अंग बन सकता है और अच बन सकता है। तो इस देखिए यहाँ पर अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं, जितने भी स्वर हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है और अचों को स्वर भी कहा जा सकता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्वर केवल इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संस्कृत में स्वर केवल 9 ही होते हैं। देखिए नीचे लिखा भी है कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संस्कृत में स्वर केवल 9 ही होते हैं। देखिए फार्मूले में देख लीजिए और यहाँ से आप काउंट भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो इस प्रकार से स्वर वर्णों की संख्या संस्कृत में कितनी होती है? 9। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, प्रत्याहार में किन वर्णों की गिनती नहीं होती है। तो वर्ण हैं कौन से देख लीजिए, यहाँ पर जो लास्ट में हैं लास्ट में लिखे हैं जैसे अड़ा है, का है, अंगा है, चा है, टा है, अड़ा है, मा है, इया है, सा है, ये सा, फिर ता, फिर या, रा, ला, इन वर्णों की जो है इन वर्णों को प्रत्याहार में नहीं गिना जाता है और इनको कहा जाता है इत, यानी कि इनको इत की संज्ञा दी गई है। तो जब इनकी गणना नहीं की जाती, इनको गिना नहीं जाता है, तो इन वर्णों को
लिखा क्यों जाता है? तो इनको लिखा जाता है इसलिए क्योंकि प्रत्याहार बनाने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए इनको इसमें रखा गया है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है? तो प्रत्याहार कुल 42 होते हैं, ये मैं अपने अगले वीडियो में एक एक करके बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि किस वर्ण के, किस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। फिर आगे देखिए, प्रश्न नंबर 5 है, संस्कृत में, प्रश्न नंबर 5 है, संस्कृत में व्यंजन कितने होते हैं और ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो संस्कृत में व्यंजन 33 होते हैं, संस्कृत में व्यंजन 33 होते हैं और ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ऊपर फार्मूलों में देख लीजिए, यहाँ से आप काउंट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ से प्रत्याहार देखिए बनेगा, हा यहाँ से लिया जाएगा और फिर ला देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ से शुरुआत का अक्षर लिया जाएगा और यहाँ से लास्ट का अक्षर, तो इस प्रकार से ये हल प्रत्याहार बनेगा और इसके अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आते हैं, इसके अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न नंबर 6 है, पूरे महेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण 2 बार आया है? तो आप अभी देख भी चुके हैं और फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं कि एक हा वर्ण ऐसा है, यहाँ पर देखिए हा प्रयोग हुआ है और एक यहाँ पर हा प्रयोग हुआ है, तो ये हा एक ऐसा वर्ण है जो महेश्वर सूत्रों में 2 बार प्रयोग हुआ है और इसके अलावा कोई ऐसा वर्ण नहीं है जो महेश्वर सूत्रों में 2 बार आया हो। तो कभी कभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पूरे महेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण 2 बार आया है, तो ये आप लोगों को विशेषकर ध्यान रखना है। देखिए कुछ और क्वेश्चन हम मौखिक आप लोगों को बताए दे रहे हैं जो महेश्वर सूत्र से संबंधित पूछे जाते हैं, देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, महेश्वर सूत्रों को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो इनको शिव सूत्र भी कहते हैं, वर्ण समन्वय सूत्र भी कहते हैं, और महेश्वर सूत्र तो कहते ही हैं, और प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, तो इस प्रकार से इनको कई नामों से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर जैसा कि बताया गया है कि कुल स्वर 9 होते हैं और वो 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर कौन कौन से हैं? तो देखिए हर्ष स्वर के अंतर्गत छोटा आ, छोटी ई, ऊ, री और लृ, केवल इतने वर्ण आपके हर्ष स्वर के अंतर्गत आते हैं, और दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं ए, औ, ए, औ, 4 वर्ण आते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के देखिए हर्ष स्वर 5 हो गए और दीर्घ स्वर 4 हो गए और कुल मिलाकर के 9 स्वर होते हैं, और ये तो हो गए हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, और प्लुत स्वर भी होते हैं। तो ये प्लुत स्वर ऐसे लिखा जाता है जैसे राम लिखते हैं, तो ऐसे बीच में लगा रहता है, तो इसको प्लुत स्वर बोलते हैं, या कोई अक्षर ऐसे लिखते हैं तो इस तरीके से मात्रा लगी रहती है। इसमें इसका मतलब यह है कि इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है। देखिए हर्ष स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का, और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। और ये जो मूल, ये आ, ई, ऊ, री, लृ, इनको मूल स्वर बोलते हैं, इनको मूल स्वर बोलते हैं, और ए, औ, ए, औ, इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं, यानी कि ये जो है स्वरों की सहायता से बनाए जाते हैं या 2 स्वरों से मिलकर के बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे और आप उसका फ़ायदा सबसे पहले ले सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।